वेलकम बैक टू माई ट्यूशन पेपर हैकर। आज हम बात करेंगे क्लास 10 हिंदी के पेपर के बारे में, जिसका भी हिंदी का 22 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चनों को हमें याद करना चाहिए ताकि मैं अच्छे नंबर से पास हो सकूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आप गैस पेपर नोट्स लेके आते हो मार्केट में, उसमें मिल जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे होते हैं और आपका मन करता है क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, और मुझे कौन से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कौन से नहीं पढ़ना चाहिए, ये जरूरी एक पॉइंट बनता है आपके दिमाग में, हमेशा बनता है। और इसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से कहना चाहूंगा कि आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल भूल जाओ कि आपने पहले क्या किया था और मुझे और टीचरों ने कौन से इंपोर्टेंट बताए, बिल्कुल भूल जाओ उस बात को। जो मैं आपको जिस तरीके से गाइड करता हूं, मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि 90% यहां से आपको प्लस देखने को मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो देखो, आपको सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इसमें आपके 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एमसीक्यू वाले होंगे। पहली पॉइंट इसको याद रखिए कि हमें पूरा पेपर जो होगा वो 70 नंबर का होगा। आपको बिल्कुल सर, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे, खत्म करिए उस बात को, अभी हम बात करने वाले हैं 70 नंबर की। आपका पेपर होगा 70 नंबर का, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपके 20 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसे हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं, चार ऑप्शन वाले होंगे, ठीक है। अब याद रखो, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे, तो 20 नंबर इनको भी कभी साइड में रख दो, क्योंकि ये इसमें से 15 क्वेश्चन तो हमें चाहिए चाहिए, मतलब 20 क्वेश्चन है, भले ही आप 5 छोड़ दो लेकिन आपको 15 क्वेश्चन इसमें चाहिए चाहिए, 15 ऑप्शन वाले मार के आओगे। आपको सर ऐसे कैसे मार लेंगे दो दिन की तैयारी में, बिल्कुल मार दोगे, हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की पूरी वीडियो बना दूंगा, बस उस वीडियो को देख लेना, एक एक क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा। बिल्कुल हम रस को ट्रिक से आपको बताएंगे कैसे पहचानोगे कौन सा रस है, अलंकार आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा अलंकार है, उसके बाद में छंद कौन सा ये कैसे पहचानोगे, उपसर्ग कैसे पहचानोगे, समास कैसे पहचानोगे, तद्भव तत्सम कैसे पहचानोगे, पर्यायवाची कैसे पहचानोगे, विकारी अभिकारी शब्द कैसे पहचानोगे, ठीक है। देखो, गद और पद इसमें से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, 5 गद्य में से आएंगे, 5 पद में से आएंगे। मान लो इनमें से आपने केवल 2-3-4 क्वेश्चन कर दिए, बाकी तो सारे क्वेश्चन कर ही सकते हो, इनको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स हम समझा देंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए। एमसीक्यू क्वेश्चन को अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, बस अभी हम बात करेंगे एमसीक्यू 15 तो करना है, इस बात को याद रखिए। उसके बाद हम बात करेंगे खंड नंबर 12 में, जब पहुंचते हैं खंड 12 में तो हमारा बनता है एमसीक्यू छोड़ करके, उसके बाद में क्या बनता है, देखिए आपके पास गैस पेपर नोट्स जो भी है आप उस पर टिक लगा लीजिए, जो बता रहा हूं भाई क्वेश्चन को तैयार करना है वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बताऊंगा। ये टोटल 50 नंबर के पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 50 नंबर के पूछे जाएंगे। और देखिए ये कैसे होंगे, कह सकते हैं ये वर्णात्मक होंगे, कह सकते हैं ये लिखित परीक्षा के थ्रू होंगे, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे, ठीक है। वो क्या था, वहां टिक लगाने होते हैं, ये आंसर है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे लिखना पड़ेगा उस कॉपी के अंदर, खंड बी में आ जाता है, खंड बा में से बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको खोलना है खंड बा में गद्य, गद्य में 6 नंबर का गद्य पूछा जाएगा, मतलब कि गद्य में से 6 नंबर के गद्य आएगा। तो आप कहोगे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर, तो मैं कहूंगा कि आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 6 नंबर के होंगे। अब आप कहोगे क्या क्या पूछा जाएगा, वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो पूछे जाएंगे हमारे पेपर में। देखो, सबसे पहले पूछा जाएगा आपको गद्य का, मैं आपको 3 पार्ट बताऊंगा, 3 लेटर बताऊंगा, मतलब 3 चैप्टर कह सकते हैं आपको, 3 चैप्टर बताऊंगा, और 3 चैप्टर के कौन कौन से राइटर हैं, लेखक कौन है उनके, इनके लेखक के नाम भी मैंने यहां नोट कर लिए हैं। इन तीनों को यदि आपने याद कर लिया तो मैं कह सकता हूं कि आपने 6 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर लिए, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कैसे, तो ये चीजें मैंने बहुत शॉर्ट में करा दी सबको। देखो, सबसे पहले जब गद्यांश आपके सामने, एक गद्यांश आएगा ऐसे करके लिख के आएगा, यहां कुछ 4-5 पॉइंट होंगे लिखे हुए, ऐसे कुछ भी लिख दिया होगा, उसके बाद डॉट डॉट होगा, फिर लास्ट में कुछ अंक होंगे, और आपको ये ठीक है, या तो ऐसे एक पॉइंट बनता है जैसे आपके अभी गैस पेपर खोलोगे तो कुछ इस तरीके बने होगा, लेकिन जब आप आपके पेपर में जब आएगा तो यहां से लेकर लास्ट तक लिख के आएगा, पूरी लाइन में लिख के आएगा। उसके बाद में आपको देखना है ये गद्यांश कौन से है, मतलब कौन सा राइटर है, किसने लिखा है, और ये कहां से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया, ये पूछेगा। तो हमें देखो, पहला तो चैप्टर याद कर लेना, कौन कौन से चैप्टर याद करना है, पहला है भारतीय संस्कृति, पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति से रिलेटेड आपको बनेंगे क्वेश्चन, और भारतीय संस्कृति के अंदर आएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन से आएंगे, तो याद रखिए भारतीय जो भारतीय संस्कृति है इनके राइटर कौन है, कौन लेखक है इनके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, आपको याद करना है। मित्रता किसने लिखी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। ममता किसने लिखी है, वो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। इन तीनों के हमें पार्ट के नाम भी याद हो जाएंगे इसी वीडियो से, और साथ ही साथ उनके राइटर भी आपको याद हो गए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके क्वेश्चन बनेंगे, एग्जामर पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये कहेगा, ये जो 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बनेंगे
पहला क्वेश्चन जैसे एक एक पूर्ण, मैंने कहा एक पैराग्राफ टाइप का आएगा पूरा, उसमें लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कि भाई संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, मतलब इस पूरे पैराग्राफ की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आप क्या करेंगे, संदर्भ सहित भाई लिखेंगे कि मतलब उसको संदर्भ मतलब पार्ट का नाम लिख देंगे और उसके राइटर का नाम लिख देंगे कि इस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, इसका संदर्भ इस प्रकार है, ये लिख देंगे, ठीक है, और इसकी व्याख्या ये की गई है, वो चीज लिखनी है। उसके बाद में यदि मैं बात करूं व्याख्या की, तो इसकी पूरी व्याख्या करनी है, मतलब कुछ सुधार करके इसकी भाषा अपनी भाषा में लिख देना है, जो भी पंक्ति लिखी है उसको सुधार करके लिखना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो चीजें, मैं बता दूंगा कैसे कैसे लिखना होता है, उस चिंता मत करिए। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए क्या क्या टिक लगाना है। तो आपको क्या है, इन तीन चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, तीन चैप्टर के राइटर को याद कर लेना है, उनके पार्ट के नाम याद कर लेना है, क्योंकि संदर्भ वाला क्वेश्चन है वो दो नंबर यहीं से फंसेंगे। उसके बाद में व्याख्या पूरा यही उतार दोगे तो दो नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद में पाठ और लेखक, वही चीज मैंने आपको बताया, पाठ और लेखक के नाम वो पूछ लेगा, या फिर ये कृति कहां से ली गई है, ये कैसी है, इसके अंदर क्या शीर्षक है, इस तरीके से पूछ लेगा। बस ये आपके छह नंबर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं गद्य से। उसके बाद में आते हैं पद्यांश में, जिसे पद बोलते हैं, और इसमें भी आपको संदर्भ व्याख्या और पाठ लेखक के नाम ही पूछेगा, ये भी छह नंबर के पूछेगा। इसमें मैंने तीन चैप्टर में डिवाइड किए कि आपको तीन ही चैप्टर देखने हैं, बाकी सारे छोड़ देने हैं। पहला है पद, जिसे सूरदास बोलेंगे, एक है धनुषभंग, वो है स्वामी तुलसीदास कि इनके कवि हैं, और रसखान, ठीक है, इन तीनों के बारे में अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। वही संदर्भ व्याख्या, जिस तरीके संदर्भ करते हैं आपने सीखा होगा, संदर्भ करना सीखा, वो सारी चीजें वैसे ही करनी है, ठीक है, क्लियर हो गया। तीन चैप्टर यहाँ, तीन चैप्टर है, बस खत्म, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद में आ जाते हैं हम संस्कृत में। अब संस्कृत में, संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया है, संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। गद्यांश में भी आपको क्या पूछेगा, संदर्भ पूछेगा कि वो कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो आप देखो मैंने चैप्टर के नाम यहां लिख दिए हैं, कौन कौन से चैप्टर को याद करना है आपको, भारतीय संस्कृता और बनारसी और देशभक्त चंद्रशेखर, ये तीन लेटर है, तीन चैप्टर है, इनको याद करना है। इनमें क्या होता है, आपको संदर्भ मिल जाएगा यहीं से, इनके चैप्टर जब आपको याद होंगे तो संदर्भ भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब जब आपको चैप्टर के नाम पता है तो संदर्भ तो लिख ही दोगे। उसके बाद में जो भी पैराग्राफ दिया होगा, जिस तरीके से पैराग्राफ में सब लिखा होगा, उसमें ही आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में लिखा होगा हिंदी में बता देना है कि ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे हो रही है, ऐसी हो रही है, वो चीज लिखनी है, बस बना बना के कर दीजिए, क्वेश्चन मिल गया, खत्म, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होता है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ओनली दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीन तीन नंबर के, तीन दो, देखो संदर्भ आपसे दो नंबर का पूछा जाएगा और हिंदी में अनुवाद करोगे तो तीन नंबर का, टोटल पांच नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद में यदि मैंने कहा संस्कृत पद्यांश की बात करेंगे, तो भाई भी देखो, यदि इसमें क्या होगा, इसमें आपसे क्या करेगा, तीन ही चैप्टर जो मैंने ऊपर बताए थे, भारतीय संस्कृति, वाराणसी और वीर पुण्य पूज्य जो पूजते हैं, उसमें क्या है, जैसे वीर विरणय पूजते, इस चैप्टर से क्या है, आपसे एक श्लोक लिखा होगा, उस श्लोक का संदर्भ आपको बताना होगा, एक छोटी सी दो लाइन लिखी होंगी, श्लोक लिखा होगा, उसका संदर्भ बताना होगा कि कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो इन्हीं तीन चैप्टर को याद कर लेना, क्योंकि इन तीन चैप्टर से ही आएगा, बाहर से कुछ नहीं बनेगा, याद रखिए। और उसके बाद में जो भी श्लोक है दो लाइनों का, उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है, हिंदी में बताना है वो श्लोक में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है, क्लियर हो गया। उसके बाद में यही चीजें होंगी, यदि आप इस संदर्भ लिखेंगे तो आपको दो नंबर मिलेंगे, यदि आप हिंदी में अनुवाद कर देंगे उसका तो आपको तीन नंबर मिलने वाले हैं, टोटल पांच नंबर का है। उसके बाद में क्या होगा, फालतू सब चीज छोड़ दीजिए, बता रहा हूं यही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है मेरे साथियों। उसके बाद में एक आएगा चरित्र चित्रण लिखने के लिए, चरित्र चित्रण आएगा तीन नंबर का आएगा, चरित्र चित्रण आपको लिखना है, आपको चरित्र चित्रण उसका लिखना है, जैसे कि चरित्र चित्रण तब लिखा जाता है, एक खंड काव्य होगा, खंड काव्य हर राज्य का अलग होता है, हर जिले का, ठीक है, हर जिले का अलग होता है, तो आप जिस जिले से हैं आप उस जिले का अपना खंड काव्य में चरित्र चित्रण को याद कर लेना है। उसके बाद में आपको पढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पांच नंबर का पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा कि लेखक और कवि का जीवन परिचय, या तो एक लेखक आएगा, एक दो लेखक पूछेगा, उसमें से एक लेखक का एक कवि का जीवन परिचय आपसे लिखना है, तीन नंबर का जीवन परिचय होगा, और उनकी दो रचनाओं को पढ़ना होगा, ठीक है। अब कौन कौन से आपके मन में आते होंगे, कौन कौन से लेखक के और कौन कौन से कवियों के हम जीवन परिचय याद करें, उनकी रचना याद करें, तो मैंने यहां रचना और कवि के नाम लिख दिए हैं, बस आपको जीवन परिचय याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जीवन परिचय उसे कहते हैं, उनका जन्म कहां हुआ, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी उन्होंने अपने जीवन में जो भी कहानी करी है, उनके माता कौन थे, पिता कौन थे, जन्म कहां हुआ, कैसे जिए, क्या परीक्षा, क्या शिक्षा प्राप्त की, वो सारी चीजें, उन्होंने कौन सी डिग्री प्राप्त की, वही चीजें लिखना। जैसे कि आप जब से जन्म हुए हैं, आपका यदि मान लीजिए जीवन परिचय को पूछेगा, तो आप सीधे कह सकते हैं कि मेरा जन्म यहां हुआ, मेरे पिता
आज ये है मेरा भाई, ये है मैं यहाँ गांव में रहता हूँ और मैं ये करता हूँ, हाई स्कूल की परीक्षा मैंने यहाँ से की, इंटर की, इंटर मैंने पास वहां से किया, बीए मैंने पास वहां से किया, उसके बाद में बीएससी मैंने यहाँ से पास की, उसके बाद में अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, अब पता नहीं मृत्यु कब होगी, बहुत अलग की है, लेकिन अब तक का जो है जीवन परिचय वो ये रहा। तो वही है इंट्रोडक्शन आपको देना है अपना, ठीक है ना, तो वही चीज है। उसके बाद में देखो लेखक की यदि बात करूं तो तीन लेखक कौन कौन से याद करना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाएंगे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तो लिख दिया क्योंकि तीन नंबर आपको मिल गए, अब चाहते हो भाई यार मुझे तो पांच नंबर प्राप्त करना है, क्यों, क्योंकि भाई दो नंबर की तो रचनाएं हैं, तो दो रचनाएं पूछेगा, कम से कम दो रचनाएं लिखिए। तो रामचंद्र शुक्ल की मैंने दो रचनाएं देखो यहां लिख दी ताकि आप याद कर सको, चिंतामणि, विचार विधि, ठीक है। उसके बाद में आएगा दूसरा जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद का आपको जीवन परिचय याद कर लेना है, उसकी रचनाएं हैं आंसू, लहर, झरना, तितली, तितली है ये, तितली, ठीक है, तितली और कमायनी, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन परिचय को याद कर लेना, और इसकी जो कृतियां हैं दो, तो मैंने यहां तीन लिख रखी है ताकि आप याद कर सको, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा। तो इन तीनों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो मुझे पता है कि आपके दो नंबर तो बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, क्योंकि रचना और आपकी जीवन परिचय भी आपने याद कर रखा होगा। उसके बाद में कवि की यदि बात करूं तो कवि में आपको देखना है सूरदास, सूरदास की रचनाएं भी आपको याद करनी है, सूरसागर, सूरसारावली और सहतलहरी। और तुलसीदास की यदि रचना बात करूं तो गीतावली, बिना पत्रिका और श्री रामचरित मानस, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, ये इनकी रचनाएं दे दी मैंने, और बाकी यहां जो आप देख रहे हैं इनके आपको जीवन परिचय याद करना है। उसके बाद में बिहारी लाल का भी पढ़ लेना, बिहारी सत्य इनकी रचना है, वरना ना पढ़ो तो छोड़ देना, लेकिन ऊपर दो वाले भी आपको याद कर लेना, दोनों के जीवन परिचय और इनकी रचनाएं जो मैंने सामने लिख रखी है। उसके बाद में बात करूंगा, एक श्लोक आएगा जो दो नंबर का होगा, श्लोक ऐसे पूछेगा जो पहले कभी उसने ना पूछा हो, पूरे प्रश्न पत्र में श्लोक ना हो वो लिख लेना है, ठीक है। तो कोई भी श्लोक लिख सकते हो जो दो लाइनों का होगा, ठीक है ना, श्लोक लिखना होगा, रामचरितमानस का लिख सकते हो, और या फिर हनुमान चालीसा आपने पढ़ते होंगे तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक पत्र लिखने के लिए बोलता है कि आप पत्र लिखिए, क्या लिखिए, पत्र। अब पत्र में क्या होता है, पत्र किसी के लिए भी हो सकता है, वो प्रधानाचार्य के लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है, चार नंबर का होगा पत्र लिखने के लिए, कि आपको सड़क टूट गई है आपके गांव की, आप अपने जो सचिव को आप किस तरीके से लिखेंगे, अपने डीएम साहब को कैसे लिखेंगे, एसडीएम साहब को कैसे लिखेंगे, कौन सा पत्र क्या लिखेंगे, उस पत्र के बारे में एक्सप्लेन करना। उसके बाद में क्या होता है, वही बात करें, संस्कृत के कुछ क्वेश्चन आते हैं, अब दो चैप्टर लिखूंगा, दो चैप्टर से ज्यादा किसी चैप्टर के याद भी मत करना, पूरा टाइम नहीं इतना, कि दो चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना जो भी आपके बुक नोट्स में दे रखे हो, गैस पेपर, जैसे भारतीय संस्कृति का और वाराणसी, ये दो चैप्टर है, एक एक क्वेश्चन पूछेगा, दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे और दो नंबर के होंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया, मुझे पता है आप बिल्कुल दो ही चैप्टर को ध्यान देंगे, बाकी सभी चैप्टर को भी त्याग देंगे, मत पढ़ना है। लास्ट में क्या होगा, एक निबंध आपसे पूछेगा, निबंध में क्या क्या पूछेगा, ये निबंध सात नंबर का होगा, तो आपको कि कौन सा निबंध याद करूं ताकि मुझे सात नंबर मिल जाए, तो मैं आपसे कहूंगा एक आतंकवाद पर आपको निबंध लिख देना है, दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा या फिर इसे प्रदूषण भी कह सकते हैं, तो प्रदूषण के ऊपर आ सकता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ये हमेशा बीए बीएससी हाई स्कूल इंटर जब भी आप आओगे तो हमेशा आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, मुझे पता है यदि आप कक्षा पांच में भी होंगे ना तब भी ये प्रदूषण का आप लिखते होगे कि जल प्रदूषण क्या था, वायु प्रदूषण क्या था, तब से अब तक प्रदूषण का ही आप निबंध लिखते चले आए हो, तो मुझे पता है कि आप इस बार भी लिख दोगे। उसके बाद में जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी लिख देना, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं रोकने के, वही चीजें सब कुछ मिल देना है, इसमें कुछ नहीं है। बाकी सारे पेपर बिल्कुल आप बना बना के कर सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको पूरा जिस तरीके से आपको बताया है, जो रणनीति मैंने बताई, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और 90% प्लस लाना है। बाकी अब मेरे पास जिम्मेदारी रही कि भाई इन क्वेश्चनों को जो 15 नंबर आपने कहा था मैं कराऊंगा, तो ये आपकी वीडियो आपको मिल जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बड़े आसानी से क्वेश्चन को देखते ही आप उसका आंसर लगा दोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें, थैंक यू।